अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोगों को नई वीडियो में खुश आमदीद करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब के अंदर जो महकमा जेल खाना जात, जिसको आप कहते हैं पंजाब प्रिजन्स पुलिस, उसके अंदर जॉब्स अनाउंस की गई हैं। डेटा एंट्री की जॉब्स हैं जिसके लिए आपको 35,000 महीना जो है वो सैलरी मिलेगी। आपने क्या करना है, फॉर्म डाउनलोड करने के लिए मैं आपको फॉर्म फिल करने के भी तरीक़ाकार समझाऊँगा। प्रिजन्स डॉट पंजाब डॉट गोव डॉट पी के पर आएँगे और यहाँ पर आने के बाद आपका जो इसका मेन इंटरफेस होगा, पेज होगा, उसमें सबसे नीचे आ जाएंगे। और सबसे नीचे आने के बाद आपको ये रेड लाइन की पट्टी नज़र आएगी, इनमें आपको जॉब्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, देख रहे हैं ना आप। ये जॉब्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बता रहा है कि न्यू जॉब्स जो हैं वो आई हुई हैं, और आप न्यू जॉब्स पर क्लिक करेंगे तो अब आपके पास ये आ गई एडवर्टाइज़मेंट। ये डिटेल्स हैं, ये डिस्क्रिप्शन है कि काम क्या होगा, और ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो मैंने बता दिया आपको डाटा एंट्री की जॉब्स हैं, इनके साथ आप लोगों ने जो है वो आपने भेजना होगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद अगर आपके पास ऑप्शन हुआ तो डायरेक्ट ओपन भी हो जाएगा, वरना आप जहां पर डाउनलोड हो उसको वहां पर जाकर ओपन भी कर लेंगे। इन जॉब्स के लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी पोस्ट का नाम लिखना है, डाटा इंट्री ऑपरेटर लिखेंगे आप, नाम लिखेंगे, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद शिनाख्त कार्ड नंबर देंगे, रिलीजन बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, यहाँ पर अपनी तस्वीर लगानी है ब्लू या वाइट बैकग्राउंड के साथ, एज जेंडर बताएंगे आप, यहाँ पर एज लिखेंगे, उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस कौन सा है, परमानेंट यानी कि आपके डोमिसाइल वाला जो एड्रेस है वो परमानेंट होगा, इस शनाख्त कार्ड वाला, और जहाँ पर आप रह रहे हैं अगर जो घर वाला शनाख्त कार्ड वाला एड्रेस है वहीं पर रह रहे हैं तो दोनों सेम, वरना रहने वाला एड्रेस आप प्रेजेंट पर लिखेंगे, ठीक हो गया। ईमेल एड्रेस में आप अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। ये आपने अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो हैं ये आपने बताने हैं, डिग्री का नाम, कब आपने पास की और कहाँ से यूनिवर्सिटी थी, बोर्ड थी, उसका नाम लिखना है, और कौन से ग्रेड आपके पास बनता है, ठीक है। जीपीए तो वो यूनिवर्सिटी वाले होंगे, जीपीए लिखते होते हैं, वरना आप बताएंगे कि फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, एनुअल वाले ये बताएंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी आप बता देंगे, और उसके बाद कंप्यूटर के लिहाज से आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं वो आपने बताने हैं। अब आपने बताना है कि आप किस जेल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो आपके करीब पड़ रही हो डिस्ट्रिक्ट जेल, उसके लिए उसका नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। तो तीन आपने तरजीह देनी है, जो आपको बेहतरीन लगती हो, आपके करीब लगती हो, आपने वो तीन ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, खुद से नाम लिखने हैं उनके। उसके बाद आपने जो है डेट लिखनी है और सिग्नेचर आपने अपने कर देने हैं। यहाँ पर आपने साथ क्या क्या लगाना है ये भी देख लें, सीएनएससी की आपने फोटोकॉपी, पिक्चर लगानी है अपनी, उसके बाद दो पिक्चर्स, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिग्री जो हो उस डिग्री के आगे आप टिक करेंगे, जो डिग्री आप लगाएंगे, ठीक है वही आपने टिक करनी। इसके लिए क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट चाहिए, वैसे अगर आपके पास ये सारी डिग्री हैं तो सारों के आगे टिक करेंगे, वरना जो डिग्री आप अटैच करेंगे वो उनके आगे टिक करना है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपने लगाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने लगाना है अगर हो तो, वरना ऐसे खाली रहने देंगे। और एज आपने बतानी है कि कितने आपके एज बंदे, कितने साल। फिर आपने बताना है रीजंस फॉर रिजेक्शन, ये फिर आगे आपका काम जो है वो छूट जाएगा, आपने आगे काम नहीं करना। यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, नेम ऑफ काउंटर इंचार्ज ये आपने नहीं करना, ये आपने नहीं देंगे, सिग्नेचर भी आपने नहीं, आपने एप्लीकेंट वाली जगह पर सिग्नेचर करने हैं। और उसके बाद आपको बता रहा है कि ये जो मंदरजा बाला फॉर्म बमा दो अदद पासपोर्ट साइज़ कंप्यूटराइज, ये सारे बता रहे हैं, तो हम पहले ही दे चुके हैं, भिजवा आप जो है ना कहाँ कहाँ आप जो है भिजवा सकते हैं अपने शिनाख्त, अपने ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, इनमें से जो दफ्तर आपको मुनासिब लगे उस दफ्तर को आप भेजेंगे, जो आपके रीजन में आता हो बेहतर तो ये है वहाँ पर भेजें, लेकिन अगर आप कहीं ऊपर रह और किसी और जगह पर रह रहे हैं तो फिर आप उसी के मुताबिक अपने करीब तरीन सेंटर पर भेज सकते हैं। तो ये थी आज के जॉब्स जिसमें डाटा एंट्री की जॉब्स हैं। ऐड भी अगर आप देखना चाहें तो एड्स पर भी आप आ सकते हैं, इसका सिंपल सा तरीका है जॉब एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपकी जो जॉब है डाटा एंट्री ऑपरेटर की है और मजदूरी तनख्वाह 35,000 है, उम्र क्या 30 साल है, 220 सीटें हैं, ये भी अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो ये कुछ एक्सपीरियंस जो है वो आपसे मांग रहे, एक्सपीरियंस हो तो बेहतर है। 29 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बता रहे हैं 29/8/2022 तक। और डाउनलोड कैसे करना है फॉर्म वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो दोस्तों मजीद गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट और उनकी तैयारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर तरह की अपडेट आपको बार वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।